विक्की विद्या के आगे आलिया भट्ट की जिगरा हुई फेल, नहीं चला बड़े नामों का जोर। कॉमेडी से भरपूर फिल्म विक्की विद्या का वो वाला वीडियो लगातार कमाई के मामले में धमाल मचा रही है। फिल्म में दर्शकों ने राजकुमार राव और तृप्ति डिमरी की केमिस्ट्री को खूब पसंद किया है। वहीं कलेक्शन के मामले में विक्की विद्या ने करण जौहर की जिगरा को पीछे छोड़ दिया है। जानिए कैसा रहा फिल्म का पांचवें दिन का कलेक्शन। राजकुमार राव और तृप्ति डिमरी की कॉमेडी फिल्म विक्की विद्या का वो वाला वीडियो सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म में विजय राज, मल्लिका शेरावत, अर्चना पूरन सिंह, मुकेश तिवारी, राकेश बेदी, टिंकू तिलसानिया जैसे किरदार भी अहम भूमिकाओं में नजर आए। बाकी राजकुमार की सीटक पंचलाइन अपना कमाल कर रही है। क्या है फिल्म की कहानी? वही वजह से ही जिगरा के साथ कलेश होने के बावजूद फिल्म ने कमाई के मामले में शानदार प्रदर्शन किया। फिल्म की कहानी शुरू होती है विक्की और विद्या यानी राजकुमार राव और तृप्ति डिमरी के साथ। विक्की मेहंदी लगाने वाला आर्टिस्ट है जिसकी शादी विद्या यानी तृप्ति डिमरी से हो जाती है। दोनों अपनी स्वागत या वीडियो बनाते हैं लेकिन अचानक घर में चोरी हो जाती है और वो वीडियो गायब हो जाता है। यही से सारा ड्रामा शुरू होता है। सीढ़ी ढूंढते विक्की और मर्डर केस में फंस जाता है। आगे कहानी क्या मोड़ लेती है ये तो आपको फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल हम बढ़ते हैं इसके कलेक्शन की ओर। इस फिल्म ने धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले बनी आलिया भट्ट की फिल्म जिगरा को भी पीछे छोड़ दिया। राजकुमार राव ने किया कमाल। आलिया भट्ट की पॉपुलैरिटी राजकुमार राव से ज्यादा है लेकिन फिर भी विक्की विद्या जिगरा को पीछे छोड़ते हुए ये कमाल करने में सफल रहे। स्त्री 2 की सफलता के बाद ये ऐसी उम्मीद थी कि राजकुमार की ये फिल्म भी डबल डिजिट में कलेक्शन करेगी लेकिन वैसा हुआ नहीं। हालांकि दोनों की डायलॉग डिलीवरी और कॉमेडी टाइमिंग के बल पर फिल्म ने कमाल कर दिया। चंदा की भूमिका में मल्लिका ने शानदार कमबैक किया है। विजय राज के साथ उनकी जोड़ी अच्छी लगी है।